Hi, this is Deepthikan Pudiyari, lecturer in botany. Welcome to my channel Mikon's Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. In this class we are going to study about the pond ecosystem. Okay. Pond ecosystem kya hota hai? Pond ecosystem refers to the freshwater ecosystem where their communities of organism depend on each other with the prevailing water environment for their nutrient and survival. मतलब क्या होता है ना, एक पॉन्ड के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जहाँ पर जितने सारे ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं. ऐसा कुछ पॉन्ड इकोसिस्टम है. पॉन्ड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अब. पॉन्ड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर क्या होता है, दो ही स्ट्रक्चर हो सकता है, एक बायोटिक कंपोनेंट है एक एबायोटिक कंपोनेंट है. पहले पढ़ते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. ओके, लेट्स सी. बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है ना, पहला क्या कौन आता है, प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो पॉन्ड में जो जितने सारे प्लांट्स होते हैं, जितने सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं वही उनको ही हम प्रोड्यूसर्स मानते हैं. जनरली प्रोड्यूसर्स आर द एक्वाटिक ग्रीन प्लांट्स आर एक्वाटिक ग्रीन प्लांट्स. ओके, लिव इन पॉन्ड, दे मे बी माइक्रोफाइट्स क्या होते हैं ना, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉप्स. Which fix solar energy मतलब फोटोसिंथेसिस जो कर पाते हैं. इनको और क्या बोला जाता है, और उनको और फाइटोप्लांकटन के नाम से ज्यादा पहचान है उनका, फाइटोप्लांकटन. ओके, और सेकंड कैटेगरी में आते हैं मैक्रोफाइट्स. These are the large plants which manufacture complex food. Which produce complex food. सच आज एग्जाम्पल में कौन आते हैं, पिस्टिया, हाइड्रिला एटसेट्रा. यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन आते हैं, माइक्रोफाइट्स का एग्जाम्पल में स्पाइरोगाइरा बल्बॉक्स एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट we'll discuss about the consumers of pond ecosystem. Consumers कौन होते हैं, जो aquatic ecosystem को खाते हैं, sorry aquatic producers को खाते हैं. generally consumers, these are the heterotrophic organisms which consumes producers. heterotrophic organisms which consume producers.
कौन आएगा कंज्यूमर के कैटेगरी में? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ फाइटोप्लांक्टन को खाते हैं, मतलब जितने भी सारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको खाते हैं, वो आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में। तो हर्बीवर्स एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हर्बीवर्स एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में कौन आते हैं? मोलुस के, मोलुस का, बिटेल्स, साइक्लोप्स, डैफ्निया एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दीज आर प्राइमरी कार्निवोर्स, मतलब प्राइमरी कार्निवर्स क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। प्राइमरी कार्निवर्स विच डिपेंड ऑन हर्बीवोर एनिमल्स, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स फॉर देयर फूड। मतलब ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं। एग्जाम्पल में इंसेक्ट्स, फिशेस, फ्रॉग, क्रैब एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्राय सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। दीज आर सेकेंड ग्रेड ऑफ कार्निवर्स, सेकेंड ग्रेड ऑफ कार्निवर्स दे फीड अपन, दे जनरली दे फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स में किसको खाते हैं जनरली? वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही खाते हैं। ओके समझ में आया क्वेश्चन? सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओमनिवर्स। क्यों? सो कॉल्ड एज ओमनिवर्स, ओमनिवर्स क्यों? बिकॉज वो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं, इसीलिए वो ओमनिवर्स है। ओके एग्जाम्पल में कौन आते हैं? लार्ज फिशेस, लार्ज फ्रॉग्स एटसेट्रा। अब पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में, डिकम्पोजर्स अब किसका? पॉन्ड इकोसिस्टम का डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ना जो डिकम्पोज करते हैं, किसको डिकम्पोज करेंगे? ना जो डेड और डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को। ओके जो पॉन्ड इकोसिस्टम में मर जाएंगे वहीं पर, वो उन्हीं को ही डिकम्पोज करेगा, जो वही है डिकम्पोजर्स।
most of the decomposers, most of the decomposers of a pond ecosystem are saprophytes. Most of the decomposers of a pond ecosystem are saprophytes. Saprophytes, but some are parasites. समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं यहाँ पर? बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई, फंजाई में कौन कौन आते हैं? फंजाई लाइक एस्परजिलस, एस्परजिलस, राइजोपस, पस अल्टरनेटिया, फ्यूजरियम, फ्यूजरियम एटसेट्रा जो भी आते हैं. क्या होता है ना, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं ना, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज मतलब कहां पर प्रेजेंट होते हैं. डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड्स मतलब निचले हिस्से में वो जनरली प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड का. जनरली द डिकम्पोजर्स, जनरली द डिकम्पोजर्स लिव इन लीव्स इन सॉयल लेयर बीनीथ द वाटर, बीनीथ द वाटर मतलब वाटर के निचले हिस्से में जहां पर सॉइल प्रेजेंट होता है वहीं पर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, समझ में आ रहा है? देन जनरली दे एक्ट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसके ऊपर काम करेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में. एंड सप्लाई रॉ मटेरियल, सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनका नंबर ज्यादा होने से वो भी कंज्यूमर्स को दे सकते हैं उनका फूड. ओके, फिर देखते हैं डिकम्पोजर्स एंड जो प्रोडक्टिव जो ना द प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वही उसको ही देखते हैं. लेट्स सी दैट. प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, उसको देखो पहले. जनरली जनरली स्पीकिंग द अपर लेयर ऑफ, अपर लेयर ऑफ ए पॉन्ड इज प्रोडक्टिव जोन, प्रोडक्टिव जोन, प्रोडक्टिव जोन ऑफ प्लांट्स. किसका बना हुआ था? प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड द बॉटम लेयर इज ए डेट्रिटस जोन, जहां पर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं. ऑफ डिकम्पोजर्स, ऑफ डिकम्पोजर्स बोथ टू जोन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट
a balanced ecosystem. वो क्या बोल रहा है ना, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में ऊपर वाला हिस्सा किससे बना हुआ था, प्रोडक्टिव जोन से. ओके, जहां पर जनरली प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, और निचले वाला हिस्सा किससे, क्या बोलते हैं उसको, डेट्रिटस जोन, जहां पर जनरली डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं. वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं ना, वो डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिक मेटल को डिकम्पोज करके यहाँ पर रॉ मेटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जहां से प्रोडक्टिव जोन का जो प्लांट्स हैं वो रॉ मेटेरियल लेकर वो बढ़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम हम खत्म कर चुके हैं. बायोटिक कंपोनेंट अब तो हम पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, किसका, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ऑर्गेनिक कंपोनेंट का, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का. वो इंक्लूड क्या क्या करते हैं, जनरली लाइट, मतलब लाइट जितना अंदर जाएगा पॉन्ड इकोसिस्टम में, पॉन्ड के अंदर जितना ज्यादा अंदर जाएगा लाइट, उतना ही प्रोड्यूसर को फायदा होगा. प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, प्रोड्यूसर ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा. वही होता है लाइट का इफेक्ट. फिर सेकेंड आता है टेम्परेचर. अल्टीमेटली लाइट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा. टेम्परेचर, कोई कोई एनिमल्स होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर प्रिफर करते हैं ये पॉन्ड इकोसिस्टम में जो बढ़ने के लिए, और कोई कोई भी डेड हो जाते हैं उसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर होने से. और थर्ड होता है पीएच ऑफ वाटर. कभी कभी हम देखते हैं वाटर का पीएच भी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी घट जाता है, इसीलिए वहां पर बहुत सारा लाइफ, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं इसके अंदर कोई भी पीएच का चेंजेस होने से, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा. बढ़ने या घटने से क्या होता है ना, वहां पर पीएच का चेंजेस हो जाने से सारे का सारा का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है. वहां पर जो नेचुरल एनवायरमेंट चेंज हो जाता है. कैसे चेंज होता है पीएच का, वाटर का पीएच, जब हम वहां पर पॉन्ड में कुछ डालते हैं, मतलब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, या तो एसिड रेन वहां पर होता है तो वहां पर पीएच चेंज हो जाता है उस एरिया का पॉन्ड का. डिजोल्ब ऑक्सीजन का मतलब होता है ना, वहां पर कितने अमाउंट ऑफ डीजल, कितने अमाउंट जो वाटर में कितने अमाउंट ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां पर, वही होता है डीजल ऑक्सीजन. और डीजल मिनरल्स, मतलब जो भी मिनरल्स वहां पर प्रेजेंट है, जो उनको प्रॉफिट मिलता है, किसको ना, प्रोड्यूसर को मिलता है, वो कुछ मतलब उनके लाइफ्स को सर्वाइव होने के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स मिलता है कहाँ से ना, यहाँ पर जो जो डीजल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वही होता है. और एटसेट्रा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अबायोटिक कंपोनेंट का. ओके, थैंक यू.